हेलो एवरीबॉडी, आज है 29 अक्टूबर 2020 और हम आर्टिकल डिस्कशन कर रहे हैं द एडिटोरियल। तो पहला आर्टिकल है वर्ल्ड पोलियो डे। तो पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, साल के हर दिन पोलियो डे मनाया जाता है। ठीक है, तो पोलियो के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो पोलियो के ऊपर देखिए, पोलियो के लिए वैक्सीन और ड्रॉप, पोलियो से बचाव के लिए ये चलाया जाता था। ठीक है, तो भारत ने 2014 में ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत अब पोलियो फ्री है, यानी कि 3 साल तक भारत में कोई पोलियो के केसेस नहीं आया। तो भारत ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत पोलियो फ्री है, और कोई भी कंट्री चाहे तो वो पोलियो फ्री डिक्लेयर कर सकता है कंफर्म करने के बाद कि उसके यहाँ पोलियो के केसेस नहीं हैं। ठीक है, तो पोलियो की अगर बात करें तो इनका नाम रखा गया, इनके वैक्सीन डेवलप जो जिसके द्वारा किया गया है, इनका नाम है बर्थ जो जोनास साल्क। जोनास साल्क का बर्थ है 24 अक्टूबर। इन्होंने पोलियो का वैक्सीन डेवलप किया और उसी वैक्सीन से पोलियो ड्रॉप भी बनाया गया। तो जोनास साल्क, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड पोलियो वर्ल्ड डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को हर साल। तो पोलियो के बारे में बेसिक चीज़ ये है कि वायरस है ये, और ये व्यक्ति को जो है नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, और ये फैलता है पानी से फैलता है, खाने पीने की चीज़ों के कॉन्टेमिनेटेड से फैलता है। और ये बीमारी ख़ास तौर से नर्वस सिस्टम से संबंधित जितने भी ऑर्गेन्स है, पैर हो गया, बाजू हो गया, ये सब में प्रभावित करता है और पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न कर देता है। ख़ास तौर से फेटल यानी कि नवजात शिशुओं में ये बीमारी होती है। श्वास रोग की समस्याएँ, दिमागी तौर पर असंतुलन खराब होना, ये सब पैरालिसिस की बीमारियां, ये सब जो है हो जाती है। तो 1 से लेकर के 3 साल के बच्चों को इसके वैक्सीन दिया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, पोलियो से बचने के लिए ये वैक्सीन चलाया गया था। तो तकरीबन वैक्सीन जो है ये वायरस से लड़ने का काम करता है। ठीक है, तो भारत ने 2014 में डिक्लेयर कर दिया था कि भारत पोलियो फ्री है, और अब तक भारत में पोलियो के केसेस नहीं है, पोलियो भारत तरीके से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज नेबरहुड, भारत के पड़ोसी देश, मीन्स GS Paper 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश कौन है? भारत के पड़ोसी देश तकरीबन 8 साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के 8 देश पड़ोसी है, और इंडियन ओशियन के जो रीजन है ये भारत के पड़ोसी माना जाता है। लेकिन रिसेंट जो अभी डेवलपमेंट हुआ चाइना के साथ, अभी हमारा रिश्ता ख़राब हुआ, नेपाल के साथ बॉर्डर झगड़ा हुआ, तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी, हमारे पड़ोसी के साथ रिश्तों के करवाहट को जो बढ़ा है, ये लॉन्ग टर्म पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हमारे पर पड़ने वाला है। तो कॉलोनियल टाइम की अगर बात करें तो उस टाइम में हमारा ये स्लोगन होता था, स्लोगन यहाँ के लोगों का, ठीक है, स्लोगन ये होता था कि नो कॉलोनाइजेशन, नो एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी रेसिज्म, यानी कि ना उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना, ना साम्रवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, और ना भेदभाव को बढ़ावा देना। तो ये कॉलोनियल टाइम में ये नारा होता था, लेकिन ब्रिटिशर का तो इसके खिलाफ ही होता था। हमारे देशवासियों का नारा ये था, शिक्षित वर्ग का नारा यही था। तो देखिए, ये चीज़ को सपोर्ट किया म्यांमार में जब इंटरवेंशन कर रहा था ब्रिटिश, या फिर श्रीलंका में, तो हमारे साइड से ये नारा था कि नो कॉलोनाइजेशन, नो इंपीरियलिज्म, नो एंटी रेसिज्म। ठीक है, इसके लिए आज़ादी के बाद फिर हमारे हमने क्या किया, 1950 के ईस्वी में जब दुनिया 2 वर्ल्ड पावर बनकर के USSR और USA निकल के आई, तो इन 2 वर्ल्ड पावर के दरमियान में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारे और दोनों के बीच में संतुलन बना करके काम किया। ठीक है, और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो,
बाकी देशों के साथ भी रिश्ते अच्छे हो। तो पोस्ट कोल्ड वार के बाद यानी कि कोल्ड वार के बाद फिर हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। हमने थोड़े से संबंध वेस्टर्न की तरफ जो झुका हुआ और क्षेत्र की अपने महत्वता के साथ हमने खुद को इंगेजमेंट जैसे यूएसए जैसे देशों के साथ बढ़ाना शुरू किया और अपने को बढ़ाने के लिए और फिर बॉर्डर एग्रीमेंट जैसे कुछ देशों के साथ जो जैसे कि हमने जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन था डॉक्ट्रिन 1996 तो इसमें हमने यही प्रतिबद्ध किया कि हमारे देशों के साथ जितने पड़ोसी देश के साथ है उनके से अगर बातचीत के माध्यम से रिश्ते अगर ठीक हो सकते हैं तो भारत उस चीज़ को प्रमोट करेगा। लेकिन अभी करंट फेज में चाइना के साथ रिश्ते ख़राब है और चाइना के हमने कई सारे बैंस किए हैं, एप्लीकेशन बैंस किए हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ से किए हैं और नेपाल के साथ भी और यूएस के साथ हमारे इंगेजमेंट बढ़ा है। कोविड 19 के दौर में भी अभी भारत का अगर कह ले कि ज़्यादा झुकाव यूएसए के साइड है, लेकिन इसमें यहाँ भी ये बात कहा जा रहा है कि भारत की पॉलिसी केवल एक देश के साथ नहीं होनी चाहिए, एक देश के साथ केवल नहीं जुड़ा होनी चाहिए, रसिया, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका और सबके साथ भारत का इंगेजमेंट बिल्कुल उनके फ्यूचर को देखते हुए एक अच्छे तरीके से बैलेंस करनी चाहिए। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक यानी कि एक अपने आइडिया को, डेमोक्रेटिक वैल्यू को, अपने प्रॉफिट को, अपने हित को प्रमोट करनी चाहिए और यूएसए की तरफ झुकाना हो करके रसिया, यूरोप, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका, बाकी सारे देशों के साथ भारत के साथ भारत का एंगेजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, महिलाओं का भागीदारी काम में। देखिए जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्टिकल को रिलेट कीजिए तो 20% जो है घट गया अगस्त 2020 में महिलाओं को रोजगार में पार्टिसिपेशन, और 2019 और 20 में ये 23% ऑलमोस्ट घटा था लेकिन अगस्त में 20% घट गया। पेंडेमिक में महिलाओं को काम करना खासतौर से इनफॉर्मल सेक्टर में जो है काफ़ी मुश्किल है। फॉर्मल सेक्टर में तो 20% है, इनफॉर्मल सेक्टर में 23 इनफॉर्मल सेक्टर में 23% है और इनफॉर्मल सेक्टर में 20% जो है महिलाओं का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया है। ठीक है, तो ये रेशियो जो है कम हुआ है। इसके रीजन कई सारे रीजन है, लैक ऑफ जॉब्स, जॉब की कमी है, भेदभाव होती है महिलाओं के साथ, उनको सही उनके काम को जो है समान वेतन नहीं मिलता है और फिर सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृतात्मक समाज और फैमिली सपोर्ट नहीं होता और वर्किंग आवर जो है ज़्यादा होता है, काम का जो है स्थिति थोड़ा सा चेंज हो गया तो वजह है महिलाओं की भागीदारी काम में कम हो रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी यही मानना है कि जिस तरह से बेरोजगारी अभी खासतौर से बड़े आबादी वाले देशों में हुई है तो यहाँ पर जो है महिलाओं के काम में भागीदारी घटेगी और ये काफ़ी चिंताजनक है। तो मैनेज करना है हाउस होल्ड काम, हाउस होल्ड घर के भी काम को और फिर जो अपना जॉब है उसको मेंटेन करना काफ़ी चुनौती बड़ा होता है। ठीक है, काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्प्लाइंग वुमेंस इन द फॉर्म द नीड ट्रांसपोर्ट स्टेचरी मैटरनिटी बेनिफिट, कुछ कंपनियां जो प्राइवेट है वो महिलाओं को हायर नहीं करना चाहती है कि उनके कुछ वजह होती है ना, मैटरनिटी बेनिफिट होता है और बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए जो है वो उनको लगता है कि पुरुष अच्छा कर सकते हैं महिलाओं के, तो उनको ज़्यादा हायर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसके वजह से कमी हुई है। ओके, थैंक यू।